हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। और आज है सैटरडे और हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों की। बहुत दिन से इस इंसान को बोला जा रहा था कि हमको चाहिए 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 चाहिए, लेकिन ये नहीं सुन रहा था, ये हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन अब फाइनली आज हमारा मुहूर्त निकला है और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। आई एम वेरी एक्साइटेड कि फाइनली रवि मुझे दिला के ला रहा है। मतलब ऐसे कॉमन चीज जो हर किसी के पास मिल जाती है, बट मेरे पास नहीं थी। जरूरी नहीं है हर चीज हर किसी के पास हो, लेकिन जरूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से आप चीजें ले ही लेते। वो आपको लेनी ही पड़ती है जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं। तो बस हम जा रहे हैं और अभी वक्त हो रहा है अराउंड 12 o'clock आफ्टरनून का और धूप है काफी अच्छी। वेदर मतलब बहुत ज्यादा ठंड नहीं है बिल्कुल भी। अभी सन सूरज मामा आए हुए हैं, तो पीछे सूरज मामा, सूरज मामा, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू, चाचू सूरज चाचू आ गए सूरज चाचू आए हुए हैं और एकदम अपने पीक पर हैं, तो हमें ठंड बिल्कुल नहीं लगी, इसीलिए हम अभी शॉल में हैं। ग्रेप भी तो खुश आ गई। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई। हमने लिए हैं बैडमिंटन, ये बच्चों के, और हमारे वालों में ग्रिप लग रही है। शटल बैडमिंटन और ये क्रिकेट प्रेमी, जिसको मैं बोलती हूँ तुम तो इतना अच्छा खेलते हो तो खेलते क्यों नहीं हो, लेकिन ये खेलता नहीं है। मतलब इतना इतना खड़ूस अकड़ू इंसान जिंदगी में आपने नहीं देखा होगा। ये भाव खाता है, अच्छा खेलता है, क्लब खेलता था, कलकत्ता में क्लब खेला हुआ है। इसे वो रणजी के लिए भी मिला था हमें। क्या क्या खेल मिला था? फर्स्ट डिवीजन के लिए भी ऑफर मिला था। और अगर ये खेलता तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा जाता, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। बट वही है, अपने टैलेंट की कदर खुद को ही ना हो इंसान को, तो कोई और क्या कर सकता। अभी बस रैकेट बैट को देखेंगे, ये करेगा नाटंकी। हम जैसे इंसान होते हैं जो स्पोर्ट्स की कदर करते हैं। बस अभी फीलिंग हो रही है, हमारे वाले रैकेट्स में ग्रिप लग रही है और उसके बाद हम घर जाएंगे। बच्चे ईगरली वेट कर रहे हैं कि मम्मा पापा जल्दी आए हमारे रैकेट लेके तो हम खेले। तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। और तो उन्हें आता नहीं है, लेकिन जब तक हाथ में कोई चीज दी ना जाए, बच्चे की प्रतिभा कैसे पता चलेगी, राइट? बोलो भाई, क्यों नहीं खेलते तुम? शॉपिंग हो गई, ये रही हमारी शॉपिंग पैकेट्स की। और रवि गया है पपीता लेने, तब तक हम ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर विंडो शॉपिंग करने की मेरी आदत है। आसपास मैं घूमते घूमते देख लेती हूँ, कहीं पे कुछ नजर देख लेती हूँ कि कहीं कुछ मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है कहाँ पर। तो इससे क्या होता है ना कि कभी अगर आपको लेना हो तो आपको पता होता है कि यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी, तो चलो वहाँ चलते हैं। तब मुझसे रवि पूछता, तुमको कैसे पता कि वहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगी? मैं ध्यान रखती हूँ, मैं विंडो शॉपिंग ऐसे ही थोड़ा ना करती हूँ, इधर उधर घूमती।
देखती रहती हूँ कभी कहाँ पर क्या मिलता है, है कि नहीं। तो बस अभी विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, देख रही हूँ इधर उधर शॉप में, अच्छा इस शॉप पे ये मिलता है, इस शॉप पे ये मिलता है। हेलो, और फिर घर जाते हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके साथ खेलेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। आज जी आजी को मम्मी ने लंच पर बुलाया है और मम्मी खाने में बना रहे हैं आज सरसों की सब्जी, तो मैं आज खाना नहीं बना रही हूँ, रात को कुछ बनाऊँगी, देखती हूँ कुछ अलग कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हूँ कि कुछ अलग बनाऊँ कुछ स्पेशल बनाऊँ, लेट से क्या बनाती हूँ अभी तक सोचा नहीं है। और बड़ा मुश्किल होता है जब आप बिना सोचे कुछ बनाते हो ना, ऑल ऑफ सडन कुछ बनाते हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, कुछ स्पेशल नहीं तो खाना ही सिंपल खाने को ही कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। चल डाइनिंग टेबल पूरी सेट, खाना बन गया, किचन ऑलमोस्ट क्लीन है, बर्तन तो आंटी आएंगे वो धोएंगे तब होगा, बट ये मेरा किचन टॉप पूरा क्लीन है। रोटी बनेगी, उसके लिए आटा गूंद के रखा है, और यहाँ पर अभी घी बनेगा तो उसके लिए मलाई निकाल के रखी है, ग्राइंडर निकाल के रखे हैं, यहाँ पर फ्रूट्स रखे हैं जो हम अभी आते टाइम लेके आए थे, पानी की बॉटल्स भर के रखे, तो ऐसे मोर और लेस किचन एकदम क्लीन है और मेरा काम हो चुका है। और अब हम वेट कर रहे हैं जिया जी के आने का कि वो आ जाएं तो हम खाना खाएं। इट फील्स लाइक वियर्ड, मतलब लाइक आई डोंट नो, बट ठीक है। और घर आते ही ना बेबू ने बहुत सारा बैडमिंटन खेला पापा के साथ, खेला तो क्या रवि ने बेबो को सिखाने की कोशिश की पूरा। और अभी मेरे पतिदेव क्या कर रहे हैं, बट आयरन होके कपड़े आए हैं, बेड पर जो रखे हैं उन्हें वो बड़े शिद्दत से मेरी और अपनी वार्डरोब में सेट कर रहे हैं। इट फील्स गुड ना जब आपका पति आपकी इतनी हेल्प करे, इससे ज़्यादा जिंदगी में और चाहिए क्या होता है। थैंक यू पतिदेव, थैंक यू सो मच। मम्मी के साथ, मम्मी के बाथरूम में नहा के आए हैं, वो रे यहाँ ना नंगू पंगू मेरी बेबो, पूरा नहीं दिखाऊंगी नहीं तो बोलेगी मैं नंगू थी, यहाँ पर कोई कैसे दिखा सकते हो। हाँ बट ठीक है, थोड़ा सा एक झलक मेरी नंगू पंगू बेबो का है ना,
हाना भी नंगू पंगू, बेबो भी नंगू पंगू। अभी मैं आई हूँ, बस इनके कपड़े निकालते हैं, रेडी करती हूँ एंड फिर आपसे वापस थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? क्यों रख दो? नहीं रख दीजिए। क्या आप रख दीजिए प्लीज? नो गुड जॉब। ओ देखो वो भैया ने कितने अच्छे शॉट मारा। तो आज हो जाए क्रिकेट का मैच, आज देखते हैं रवि बागरेचा क्या कर सकता है, सिर्फ फ्लॉन्ट करता है या सच में बैट को मारता है। 6-4 कहाँ पर है? कुछ है? अच्छा हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखो देखो या तो तुम फ्लॉन्ट कर लो या तुम खेल लो, बता दो तुमको क्या करना है। चलो 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 चलो। अरे विकेट मिल गया तुम्हारा, बैट के लगी। चलो जाओ लेके आओ। बहुत सारा बैडमिंटन खेल के फाइनली हम आ गए और हाथों में ना मतलब ये वाली जो जगह होती है ना यहाँ पर अब दर्द हो रहा है। खेलते टाइम तो पता ही नहीं चल रहा था, इतना खेला इतना खेला। मैं ना 4 o'clock नीचे गई थी, 6:30 तक हम कंटिन्यू खेलते रहे, कभी बच्चों के साथ कभी हम सारे, कभी डबल्स खेला कभी सिंगल्स खेला। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बचपन के दिन याद आ गए, जैसे हम लोग गली मॉल में खेलते थे सारे बच्चे सर्दियों के टाइम पे इकट्ठा होकर, एकदम वो वाला टाइम याद आया। खैर बहुत मज़ा आया आज तो सच में। आए आके एकदम थके हुए थे, मम्मी ने आके पूछा चाय पी रहे हो? हाँ भाई चाय तो पीनी है। और क्योंकि नीचे ठंड थी, खेलते रहे पता नहीं चलता आपको, बॉडी एकदम गर्म हो जाती है, बट मेरे हाथ ना फिर भी ठंडे हो रहे थे बहुत। ठीक है कि हाथ बहुत ठंडे हो रहे, चाय तो पीनी है। और जून आज नाइट स्टे करने के लिए हमारे आई है, आशु को कहीं बाहर जाना है तो जून और जैम हमारे पास है। जून आ चुकी है, जैम थोड़ी देर बाद आएगा एंड रात का डिनर भी बन गया। रात के डिनर में आज बना है पनीर शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में तुरई की सब्जी, साथ में चपाती और संतरे का पन्ना, बस और कुछ नहीं। और अब मैं आज बहुत थक गई हूँ, आज बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंटरटेनिंग डे रहा, आज बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो इट वॉज़ अ फन डे फॉर मी। हमेशा फन डे होता है बच्चों का, कभी पति का, कभी घर वालों का, कभी दूसरों का, बट इट्स अ फन डे फॉर मी। तो मेरे लिए तो आज मज़े ही मज़े, मैंने बहुत मज़े किए, बहुत ही मज़ा आया एंड आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया थोड़ा भी, अगर आपको अपना बचपन याद आया हो कि जैसे आप बचपन में बैडमिंटन खेला करते थे, तो जल्दी से लाइक करना और कमेंट में लिखकर बताना कि आप बचपन में बैडमिंटन खेलते थे तो क्या करते थे, कैसे करते थे, कैसे चीटिंग करते थे कि भाई नहीं 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 मेरे रैकेट पे नहीं लगी, मैं नहीं आउट हुआ। तो बहुत मज़ा आता है सीरियसली, तो बताना मुझे।
Till then, stay tuned. Bye-bye. All is well.